बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां धर्म स्वतंत्र विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई, संशोधित बिंदुओं के साथ मंजूरी दे दी गई। अब विधानसभा के सत्र में पेश होगा विधेयक। लव जिहाद विरोधी धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी मिली। विधेयक में 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। विधेयक को मध्य प्रदेश में कठोर बनाने की कोशिश, ऐसा कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 को मध्यप्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे ये कानून देश का सबसे सख्त कानून है लव जिहाद को लेकर? अरे यार, इसमें प्रावधान जो है वो देश के सख्त हैं, इसलिए ये सख्त है। इसमें जो बच्चा है वो संपत्ति का हकदार हो जाएगा, भले ही वो शादी शून्य हो गई हो। इसमें जो माँ है उसको भी गुजारा भत्ता दिया जाएगा, वो प्रावधान है। इसमें वो संस्थाएं जो इस तरह के कृत्य को कराती हैं उनके रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे, वो शादी नल एंड वाइट हो जाएगी, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, उनको भी सजा का प्रावधान है। जो पुजारी जी मौलवी जी कराते हैं उनको भी सजा का प्रावधान है, 10 साल तक की सजा है, गैर जमानती कर दिया गया है और मध्य प्रदेश इसे सख्ती से लागू कराएगा। सर, इसके पहले कानून आने के पहले के जो मामले हैं, क्या अब उनको फिर से संज्ञान में लिया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई होगी? 1968 का कानून आज के बाद से शून्य हो गया है। आज धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 आज से लागू होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का जो लव जिहाद को लेकर कानून है उसका ड्राफ्ट बनाया गया है, वो देश का सबसे सख्त कानून होने वाला है और आने वाले समय में जो पुराना अधिनियम था, जो पुराना कानून था, वो आज से समाप्त हो चुका है। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे।